दोस्तों साल 2020 अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग ईयर होने वाला है, क्योंकि इस साल के अंत तक भारत और विश्व में ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी वजह से हमारी और आपकी जिंदगी एक ही झटके में बदल जाएगी। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में साल 2020 का पूरा सच आपके सामने लाया जाएगा। नंबर 14, दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2020 के अंत तक दुनिया की सभी मेजर सिटीज में बिना ड्राइवर के चलने वाली कार, यानी कि खुद से ही चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार मौजूद होंगी। जापान, यूएसए और रशिया के बड़े बड़े सिटीज में इस तरीके की कार्स की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। इनिशियल स्टेज पर इन कार्स को टैक्सी के रूप में हर एक देश में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अगर इनके काम करने के पैटर्न्स पर नजर डाली जाए तो ये बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। दोस्तों इन कार्स के चारों ही तरफ कैमरास और सेंसर लगे होते हैं, साथ ही इनके अंदर जितना भी सिस्टम होता है वो सीधा गूगल मैप से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इन्हें रियल टाइम ट्रैफिक और रोड्स का पता चलता रहता है। माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले 10 सालों में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि ये कार किसी भी इंसानी ड्राइवर से भी ज्यादा सटीकता से ड्राइविंग करेंगी। दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इन कार्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है यहां का हद से ज्यादा ट्रैफिक और खस्ता हाल सड़कें। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि साल 2020 के अंत तक इस प्रकार की सेल्फ ड्राइविंग कार्स का फ्यूचर भारत में कैसा होगा। नंबर 13, साल 2020 में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक बार फिर से दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। दोस्तों इसरो के साल 2020 के अगर मेगा मिशंस पर नजर डाली जाए तो साल 2020 में इसरो 10 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, जिसमें न्यू एज कम्युनिकेशन सेट, जी सेट और सर्वेलेंस सेट, आरआई सेट 2B R2 शामिल हैं। ये सभी सैटेलाइट्स स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस सिस्टम को बूस्ट करेंगी, जिससे पूरे ही देश की सिक्योरिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिड 2020 में इसरो आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सूर्य का गहराई से अध्ययन करना है। खास बात यहां पर यह है कि आदित्य L1 भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा, तो यह अपने आप में भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिसंबर 2020 में इसरो गगनयान के एक टेस्ट फ्लाई को भी लॉन्च करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गगनयान के थ्रू इसरो पहली बार स्पेस में किसी भी इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है, और इसीलिए इसरो ने गगनयान की टेस्ट फ्लाइट को तैयार किया है। इस टेस्ट फ्लाइट में सबसे पहली बार एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और यह सब दिसंबर 2020 तक इसरो करने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो एक बात तो तय है कि साल 2020 हम भारतीयों के लिए एक गर्व का साल जरूर होगा। नंबर 12, दोस्तों साल 2020 हमारे भारतीय जवानों के लिए भी काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि साल 2020 में भारतीय जवानों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके आने के बाद भारतीय जवानों को हराना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों इन टेक्नोलॉजीज का नाम है स्मार्ट वेस्ट और स्मार्ट ग्लासेस। दोस्तों जैसे ही ये स्मार्ट वेस्ट किसी भी सोल्जर के द्वारा पहनी जाएगी, पहनते ही सबसे पहली बार ये उस सोल्जर की लाइव लोकेशन, उसकी हार्टबीट, उसका ब्लड प्रेशर, और यहां तक कि अगर उसकी बॉडी में कोई कैसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में हमारा सोल्जर बीमार हो सकता है, उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके रियल टाइम में हेडक्वार्टर्स को सेंड कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी भी ट्रेनिंग में या फिर किसी भी मिशन में अगर हमारे जवान को कोई भी चोट लग जाती है तो ये वेस्ट तुरंत ही हेडक्वार्टर में और इवन जवान को भी ये बताएगी कि इस तरीके की चोट के लिए सबसे ज्यादा सटीक मेडिसिन कौन सी होंगी। बात अगर स्मार्ट ग्लासेस की जाए तो जैसे ही ये स्मार्ट ग्लासेस किसी भी सैनिक के द्वारा पहने जाएंगे, ये उस सैनिक को उसकी लाइव लोकेशन, बाहर का टेम्परेचर, नाइट विजन और यहां तक कि उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन इंसान कहां कहां छुपा हुआ है उसका रियल टाइम डेटा सामने लाकर रख देंगे। ये टेक्नोलॉजी यही नहीं थमती बल्कि इन स्मार्ट ग्लासेस को पहनने के बाद जवान क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है, इन सभी डाटा को ये ग्लासेस रियल टाइम में हेडक्वार्टर सेंड करते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बाद हमारे देश के सोल्जर्स
सुपर सोल्जर्स बनने वाले हैं। नंबर 11, दोस्तों माना यह जा रहा है कि साल 2020 के लास्ट तक पूरी ही दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिसिटी की कमी, उसको काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के अंत तक पूरी ही दुनिया की लगभग 20% एनर्जी सोलर पैनल से ही प्राप्त की जाएगी। और आपको जानकर ये गर्व होगा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पूरी ही दुनिया में भारत का भी बहुत बड़ा नाम होने वाला है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में भी मेट्रो सिटीज में और हाईवेज पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं वे सभी सोलर एनर्जी से चलती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े मॉल्स, इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल भी सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2020 के अंत तक सोलर एनर्जी इस पूरी ही दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। नंबर 10, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में एक इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 300 से 500 किलोमीटर का ट्रेवल बड़ी आसानी से कर लेती है, लेकिन अपने आप में ये दूरी कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया गया है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रिक कार सिंगल रिचार्ज पर यानी सिर्फ एक बार चार्ज होने पर 1200 से 1500 किलोमीटर का सफर बड़े ही आसानी से तय कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत की मेजर सिटीज में इन कार्स के लिए स्पेशली क्विक चार्जिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2020 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। नंबर 9, दोस्तों अर्थव्यवस्था की दृष्टि से साल 2020 पूरी ही दुनिया के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट की मानी जाए तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 में बड़े बड़े देशों में आपसी टकराव हो सकते हैं, जिसकी वजह से साल 2020 में सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो भारत से लेकर पूरी ही दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी खस्ता हालत में है। चीन और अमेरिका की आपस में व्यापार युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भी काफी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2020 अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूरी ही दुनिया के लिए कुछ ज्यादा खास साल नहीं होने वाला। दोस्तों साल 2020 के अंत तक जापान पूरी ही दुनिया के सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ला सकता है जिसके जरिए इंसान जानवरों की आवाज या जानवरों की भाषा को समझ सकते हैं। दोस्तों जापान काफी लंबे समय से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अभी जापान के एक सीनियर इंजीनियर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि हो सकता है जिस स्पीड से जापान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है कि साल 2020 के अंत तक जापान इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दे। अगर बात भारत की जाए तो भारत भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़ी तरक्की करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के अंत तक भारत में ऑटोमेशन 30% तक बढ़ जाएगा, यानी कि साल 2020 के अंत तक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो रोबोट्स को हायर करेंगी इंसानों की जगह पर, जिससे स्पीड और सटीकता दोनों ही बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर सिक्के की दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि साल 2020 तक जैसे ही भारत में धीरे धीरे ऑटोमेशन बढ़ेगा बेरोजगारी की दर भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन भारत में सही है या फिर गलत। नंबर 7, दोस्तों हर साल ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में लाखों ही लोगों को मलेरिया और हार्ट अटैक के चलते अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2020 के अंत तक एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे पूरी ही दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की एक कंबाइंड टीम ने एक आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है। खास बात यह है कि आर्टिफिशियल हार्ट 99% वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा नेचुरल हार्ट करता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि साल 2020 के लास्ट तक यह टेक्नोलॉजी दुनिया के हर एक शहर तक पहुंचा दी जाएगी। बात अगर मलेरिया की जाए तो आपको बता दूं कि डॉक्टर्स ने एक ऐसे वैक्सीनेशन को डेवलप कर लिया है जिसको सिर्फ एक बार इंजेक्ट करने के बाद पूरी ही जिंदगी आपको मलेरिया नहीं हो सकता। तो साल 2020 हार्ट अटैक और मलेरिया के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि दावा ऐसा किया जा रहा है कि मलेरिया और हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों का प्रतिशत ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक कम कर देगी। नंबर 6,
दोस्तों साल 2020 के अंत तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंसानी शरीर के सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी आदि को स्टीम सेल्स के जरिए दोबारा से बनाया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जब स्टीम सेल से इस प्रकार के ऑर्गन्स बनेंगे तो बिल्कुल ही नेचुरल होंगे और इसको हमारी बॉडी बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर लेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2020 तक अगर ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आ जाती है तो हमारे पूरी ही दुनिया की मृत्यु कम हो जाएगी। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि ऐसा करके हम कहीं ना कहीं इस नेचर का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। नंबर 5, दोस्तों साल 2020 जहां भारत को तरक्की की एक नई राह पर लेकर जाएगा तो वहीं ये साल भारत के सामने एक सबसे बड़े संकट को भी लेकर आएगा और इस संकट का नाम है जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस। दोस्तों कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने यह माना है कि भारत अपने इतिहास के सबसे भयंकर जल संकट से जूझ रहा है और साल 2020 में 60 करोड़ लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि साल 2020 के लास्ट तक भारत के 21 अहम शहरों में ग्राउंड वाटर यानी कि भूगर्भ जल खत्म हो जाएगा। साथ ही साल 2030 तक भारत की 40% ऐसी आबादी होगी जिनको पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2020 के अंत तक अगर इस समस्या को सॉल्व नहीं किया गया तो साल 2030 तक हमारे देश की लगभग आधी जनसंख्या जल संकट से जूझ रही होगी। नंबर 4, दोस्तों साल 2020 के मध्य तक भारत में इस पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा जिसको सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे बड़ा और विशालकाय क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों इस स्टेडियम की आधारशिला जनवरी 2018 में रखी गई थी। दोस्तों इस स्टेडियम में एक साथ 1.10 लाख लोग आसानी से बैठकर मैच का आनंद उठा सकते हैं जो कि वर्तमान स्थिति में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है उसकी 90,000 लोगों की कैपेसिटी से काफी ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक गर्व की बात साल 2020 में जरूर बनेगी। नंबर 3, दोस्तों साल 2020 3D प्रिंटिंग के जरिए भी पूरी ही दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग अपने आप में टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना है। दरअसल 3D प्रिंटिंग के जरिए हम किसी भी चीज को थर्ड डायमेंशन प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। यानी माना यह जाता है कि 3D प्रिंटिंग के जरिए जो हमारी इमेजिनेशन है हम उसमें से किसी भी चीज को कोई भी आकार दे सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन साल 2020 में ये टेक्नोलॉजी एक अलग ही स्तर पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल दोस्तों 3D प्रिंटिंग के जरिए अब हम ह्यूमन ऑर्गन्स को भी प्रिंट करना शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि किसी भी दुर्घटना में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई ऑर्गन जैसे कि कोई फिंगर, हेड या फिर पैर कट जाता है तो उस स्थिति में 3D प्रिंटिंग के जरिए हम बड़ी आसानी से उसको प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही 3D प्रिंटिंग और प्लास्टिक सर्जरी के कंबाइंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस ऑर्गन को दोबारा से ही बॉडी में लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस तरीके के ऑर्गन को बनाने और साथ ही बॉडी में लगाने की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। तो साल 2020 इस लिहाज से काफी ज्यादा अमेजिंग ईयर होने वाला है। नंबर 2, दोस्तों आज हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट में इंटरनेट भी शुमार है। दोस्तों भारत में जहां जियो ने इंटरनेट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है तो साल 2020 इस पूरी ही दुनिया के लिए इंटरनेट की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि साल 2020 के लास्ट तक दुनिया के हर एक इंसान के पास फ्री और हाई स्पीड इंटरनेट हो सकता है क्योंकि टेस्ला पृथ्वी के ऑर्बिट में 12,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसको एलोन मस्क दुनिया के सामने स्टार लिंक के नाम से लेकर आए हैं। दोस्तों पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये 12,000 सैटेलाइट्स आपस में सिग्नल्स के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगी और यही कारण है जिसकी वजह से इनको इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट्स कहा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2020 इंटरनेट के लिहाज से एक बहुत बड़ा साल हो सकता है। नंबर 1, दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में पॉल्यूशन खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर हो सकता है और इसका सीधा सीधा असर
हमें हमारे देश भारत में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पॉल्यूशन की वजह से पूरी ही दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। और इस पॉल्यूशन का असर भारत में सबसे ज्यादा देखने को पड़ रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से ही बीमार होने वाले लोगों की संख्याओं में इजाफा होता चला जा रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि साल 2020 कुछ अच्छी संभावनाएं ला रहा है तो कुछ बुरी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दिल खोल के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जब तक आप जाओ यार मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करो। जय हिंद।